हेलो एवरीवन, सो आज यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मनी प्लांट के बारे में, जिसे कि हम पोथो भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। मनी प्लांट को आप इंडोर, आउटडोर, शेडेड और डायरेक्ट सनलाइट कहीं पर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये एक बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, स्पेशली गर्म एरियाज़ में। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ठंडे एरियों के बजाय ये गर्म एरियाज़ में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, एक ये बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैंने ट्राई करी थी, क्योंकि मनी प्लांट जो होता है परजीवी पौधा होता है, अगर उसे किसी दूसरे के थ्रू खाना मिल जाता है तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो दूसरी चीज़ों के सारे, जैसे प्लांट्स के सारे न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर लेता है और अपनी ग्रोथ में लगा देता है। तो यहाँ पे इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये नारियल, जो कि हमारे घरों में बहुत ज़्यादा होते हैं, जो पूजा में यूज़ होते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि इनको नदियों में बहा दो, या तो इस एज अ यूज़ आप इसको प्लांट के ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसको खा नहीं सकते हैं तो इसको बहाना है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे अच्छा तरीका है मनी प्लांट को ग्रोथ करने का, आप इसको इस तरह से इसकी कटिंग कर लें, देखिए जगह जगह से। आप इसको पानी में भी ग्रोथ कर सकते हैं इसकी। तो जो इसका डैमेज पार्ट है, मैं उसको कट कर रही हूँ। ये मैंने रिसेंटली लगाया था, इसलिए थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, पर समय के साथ साथ इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट इनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। आपको उसके लिए किसी भी फर्टिलाइज़र या किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और अगर चाहें, अगर आप डायरेक्टली इसको ज़मीन पे लगा सकते हैं, तो वहाँ इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है पॉट के बजाय। तो देखिए, मैंने साइड बाई साइड इस तरह से छोटी छोटी कटिंग इसकी साइड में लगा ली है। आफ्टर 1 or 2 month मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छे तरीके से ये मेरी जो प्लांट है इसने ग्रोथ करी है। तो देखिए, साइड में मैंने इस तरह से लगा लिया था, क्योंकि सारा जो एरिया था तो वो हमारी कोकोनट ने ही घेर लिया था। तो आपको इसकी जड़ें दिख रही होंगी, इसकी जो जड़ें आई हैं, इसकी जड़ें भी एक्चुअली इसी की वजह से आई हैं, क्योंकि मैंने इसमें से कट किया है ये। तो कोकोनट से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने के लिए इसने अपनी जड़ें उसमें फैला दी थी, तो मैंने उसी को कट कर लिया है, एक इसकी लंबी बेल को। और कट करने के बाद देखिए, इस तरह से इसको हम इसके अंदर इस तरह से आपको डाल देना है मिट्टी के अंदर, और हल्का सा इसमें पानी स्प्रेड कर देना है। तो ये बहुत जल्दी जो है ग्रोथ करता है। और एक आपका जो बुशी मनी प्लांट है ना, अगर बहुत लोग को पसंद होता है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है, और इसकी इतनी अच्छी सुंदर एक शेप जो है बनके तैयार हो जाती है। तो अब इसके लिए आपको लास्ट में क्या करना है, अगर आप वायर, यहाँ पे मेरे पास वायर है इसलिए मैं वायर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वायर नहीं है, और वैसे भी एट द लास्ट ये निकालना ही पड़ता है, तो इसकी जगह पे आप थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं इन मनी प्लांट्स को एक जगह पे और शेप देने के लिए, इस तरह से। तो ये देखिए, आफ्टर 1 month आपको दिख रहा होगा, 1 and 2 month देखिए, ये जो नारियल था बिल्कुल भी विजिबल ही नहीं आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मनी प्लांट ने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कैप्चर कर लिया है। जबकि मैं इसकी कटिंग तब से कर ही रही हूँ, कम से कम मैं 2 से 3 बार इसकी कटिंग कर चुकी हूँ, तो आपको दिख रहा होगा ये कितने अच्छे तरीके से, देखिए इसने ग्रोथ किया है। ये वही प्लांट है जिसमें मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो देखिए, पूरा इसने मनी प्लांट को कवर कर लिया है, और इसकी बहुत अच्छी शेप जो है तैयार होकर हमारे सामने आ गई है। तो बस इसके ज़्यादा सीक्रेट्स नहीं होते हैं मनी प्लांट के। ये देखिए, ये भी मैंने आपको दिखाया था, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो गई है। बट आपको इसके साइड के अगर ब्रांचेस आप कट करते रहते हैं, तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये बहुत अच्छे से एक बुशी मनी प्लांट जो है हमारा तैयार होके आ जाता है। आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखे होंगे काफ़ी सारे मनी प्लांट के वीडियोस। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसके साइड्स जो है वो कट कर लेती हूँ, जिससे कि बहुत इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। बस इसी तरह से कट करके मैं इसी में इनको लगा देती हूँ।
तो अगेन ये मेरे इंडोर वाले मनी प्लांट्स हैं जो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ। तो पानी में इनको लगाने का तरीका बहुत आसान होता है। देखिए इस तरीके से आपको कट करना है, और कट करते हुए जो नीचे वाली लीफ होती है उसको आप बस तोड़ना है उसको, और आप इसको डिप कर दें, क्योंकि जो लीफ है वो आपके पानी के अंदर नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए ये भी मेरे सारे इंडोर्स रखे हुए थे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनके लंबी लंबी लीव्स आ गई हैं। मुझे इतनी लंबी नहीं चाहिए तो इसलिए मैं इनको कट कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुशी है। और अगर मैं इसको और करना चाहती हूँ तो मैं इसको इस तरीके से, इसकी जो सारी ये जो इसमें बेल आ गई हैं इनको हम कट कर लेते हैं। तो इसका एक्चुअली मेन सीक्रेट यही होता है कि जब इनकी बेल लंबी हो जाती है तो आप इनको कट करते रहें, और इनके जो भी डैमेज लीव्स होते हैं उनको तोड़ दें, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ये देखिए ये फाइनल है, मैं कट कर चुकी हूँ एक्चुअली। तो देखिए ये काफ़ी छोटा पॉट है एक्चुअली, इसमें बहुत कम मिट्टी आती है, आपको दिख रहा होगा, बट इसमें भी कितने अच्छे से इस मनी प्लांट की ग्रोथ हुई है, जबकि इसमें कुछ भी मैंने स्पेशली कोई खाद या कोई किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। ये देखिए ये आपको दिख रहे होंगे कितने सारे बुशी हो गए ये, तो इन सबको मैं कट कर लूँगी, क्योंकि मैं इसको एज ए सेंटर टेबल के लिए यूज़ करती हूँ तो ये मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं इनको कट कर रही हूँ, जिससे कि इनकी एक बहुत अच्छी शेप जो है तैयार होकर आ जाती है, और हम इनको दोबारा से इनको रीग्रोथ कर सकते हैं। बस नीचे का जो लीफ वाला एरिया होता है उसको आपको हटा लेना है और डिप कर देना है पानी में, तो इजी होता है पानी में ग्रोथ करना। ये देखिए ये मेरे ऑलरेडी वाला है, पानी में डाला हुआ था, तो इसकी जो रूट आपको दिख रही होगी इसकी रूट वाइट कलर की है, तो कुछ एक दो हफ्ते के बाद इस तरह से ये अपनी रूट दे देता है, और थोड़ा सा हल्की ग्रोथ हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज़ में होते हैं तो वहाँ मनी प्लांट की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है। यह सिंगोनिया, ये भी आप पानी में डिप करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे मेरे जितने मनी प्लांट थे ये सेरेमिक पॉट वाले, इनके मैंने फाइनली कटिंग कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और अगर आप इनको कट नहीं करना चाहते, दोबारा से लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए ना आप यूज़ कर सकते हैं हेयर क्लिप, जो हेयर क्लिप्स होती हैं, तो मैं उनको भी यूज़ कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने हेयर क्लिप्स यूज़ करी हुई हैं, इस तरह से देखिए इसको फोल्ड कर दें और हेयर क्लिप्स लगा दें, तो आप जिस डायरेक्शन में इनको मूव करना चाहेंगे उस डायरेक्शन में मूव हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ हेयर क्लिप, हेयर पिंस। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है, प्लांट्स हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए तीनों को मैंने कट कर दिया है, और ये बहुत सारे इसमें बच गए हैं। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं।